हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है डीजल साइकिल है ना, तो इसको सबसे पहले अपन इसका इसकी थोड़ी थ्योरी समझेंगे, साइकिल समझेंगे, पीवी डायग्राम, इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे जिसमें अपन इसकी इफिशेंसी निकालेंगे और वर्क डन और मीन इफेक्टिव प्रेसेस। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं डीजल साइकिल। सकल लिखिए, दिस साइकिल वाज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर आर डीजल। आर डीजल ना रुडोल्फ डीजल इनका नाम था पूरा, आर मीन्स रुडोल्फ। इनने क्या किया था 1897 में, 93 में, 97 में समथिंग, 1897 ईस्वी में इनने इसका डिस्कवर की थी साइकिल। इफ डिफर फ्रॉम ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल से क्या डिफरेंस था, क्या द हीट इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीट सब उसमें क्या होता था, ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होता था, इसमें हीट सप्लाई कहाँ पर होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, और हीट रिएक्शन कहाँ होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, है ना। इस तरह एक पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस दिस साइकिल वॉज इंट्रोड्यूस बाई डॉक्टर आर डीजल इन 1897। इफ डिफर्स फ्रॉम ऑटो साइकिल इन इन दैट हीट इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब मेन क्या साइकिल समझते हैं इसकी, क्योंकि डेरिवेशन वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। एक साइकिल बनी है पी वी डाइग्राम, ठीक है। 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 से 3 कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिस पर क्या होता है, हीट सप्लाई होता है। क्यू एस जो दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, सिम्बॉल है हीट सप्लाई का। 3 से 4 क्या एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, जो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू सी का पालन करती है। 4 से 1 क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इस पर हीट रिजेक्टेड हो रहा है, क्यू आर मैंने रिप्रेजेंट किया हीट रिजेक्टेड को, ये इसका टी एस डाइग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर वी, यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट, जो वी वन इजकल टू वी फोर होगा क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो पी टू इजकल टू पी थ्री होगा, इस तरह यहाँ वी टू होगा और यहाँ वी थ्री होगा। ये साइकिल थी, है ना। ठीक है, समझ में आएगा फ्रेंड कि 2 से 3 पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, वहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है। ठीक है, 1 से 2 क्या है, जो कि वी ए पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी का जो भी रूल्स हैं एडियाबेटिक के उसको पालन करती है। 2 से 3 क्या हो रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्योंकि अपन वहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह 3 से 4 क्या एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यहाँ पर कोई भी एयर सप्लाई नहीं हो रही है ना हीट सप्लाई हो रही है। 4 से 1 पर क्या हीट रिजेक्टेड हो रही है, ठीक है, दोनों में प्रेशर में दाम कमी हो रही है, टेम्परेचर और प्रेशर में कमी होती 3 से 4 पर भी। ठीक है, ये था, तो ये मैंने चारों प्रोसेस लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं, द एडियाबेटिक कंप्रेशन, हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, 3 से 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 से 1 हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन इसको डेरिवेशन समझते हैं। थर्मल इफिशेंसी, थर्मल इफिशेंसी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, क्या होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बता चुका हूँ, वर्क डन होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिएक्टेड। तो इस थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिएक्टेड अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, अब माना कंसिडर 1 kg ऑफ एयर है, ठीक है, क्योंकि डीजल साइकिल में क्या सप्लाई होता है, एयर, ठीक है, इसमें क्या होता है इंजेक्टर होता है। तो अब क्या है, हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एम सी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हो रही, तो एम क्या गैस गैस का मास है, और सी बी क्या एयर का मास है, और सी बी क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टी टू माइनस टी टू टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि हीट सप्लाई हो रही है ना। तो ये चेंज इंटरनली के फॉर्मूले से हम जानते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उससे आप इसको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर का होता है, ये मैं उसमें डेरिवेशन बता चुका हूँ। इस तरह हीट रिएक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये क्या कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है, इसलिए सी वी है, सी वी क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एम क्या है एयर का मास, तो टी फोर माइनस टी फोर, है ना, ये क्या है हमारी, ये जो प्रोसेस है, देखिए प्रोसेस कहाँ से बात कर रहा है अपन, 1 से 2 की, ठीक है, नहीं 2 से 3 की, क्योंकि हीट सप्लाई यहाँ हो रही है, तो 2 से 3 की बात हो रही है, ठीक है, हीट सप्लाई, इसलिए T3 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। इसी तरह T4 माइनस T1, ठीक है, T4 पर टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 पर कम है,
ठीक है, इस तरह ये यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है। तो इन दोनों की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पर पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो सिर्फ वैल्यू पुट किए और इसको सेपरेट किया, इस ए इसके भी बटे है और इसके भी बटे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एम सी एम कैंसिल हो जाएगा, सी वी बटे सी पी। ठीक है, अब अगर अपन बी ए ए बी को, बी को कहाँ कर दें, नीचे यहाँ ला दें, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया हुआ है ना, इसको नीचे दिखाया, टी फोर माइनस टी वन की जगह सेम लिख दिया, टी थ्री माइनस टी टू को भी सेम लिख दिया। अब वी को सी पी के नीचे लिखा जा सकता है मैथमेटिक की रूल के अकॉर्डिंग, तो सी पी बटे सी वी। अब सी पी बटे सी वी अपन जानते हैं गामा होता है ना, सी पी अपन सी वी इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है, तो इसकी जगह अपन गामा लिख सकते हैं। तो वही नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, डीजल वन माइनस टी फोर माइनस टी वन सेम लिख दिया है, सी पी अपन सी वी इक्वल टू गामा होता है इसलिए गामा लिख दिया, टी थ्री माइनस टी टू सेम लिख दिया। तो इस तरह एक इक्वेशन बन बन गई। तो फ्रेंड समझ में आया होगा, सबसे पहले इक्वेशन बन बनी, अब अपन इन सब की वैल्यू निकालेंगे फिर उसमें पुट करेंगे, इसके बाद हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला कंप्लीट होगा, है ना। तो फ्रेंड साइकिल समझ लें, बस ये आपको उस कंसेप्ट होना चाहिए कि हीट सप्लाई कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होती है और हीट रिएक्टेड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर होती है, और एडियाबेटिक कंप्रेशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, पूरी डेरिवेशन इसकी डाल चुका हूँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अब अपन इसमें जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, कंप्रेशन रेशो अपन पहले से ऑलरेडी जानते हैं, वी वन अपन वी टू होता है ना, कंप्रेशन रेटो वी वन अपन, ये देख लीजिए यहाँ से, आप देख लीजिए ये वन से टू प्रोसेस क्या है, कंप्रेशन है, यहाँ पर वॉल्यूम वी वन है, यहाँ पर वॉल्यूम वी टू है, तो कंप्रेशन रेशो क्या हो जाएगा, वी वन अपन वी टू। ठीक है, इससे देखिए वन से टू प्रोसेस की बात कर रहा है, इसलिए कंप्रेशन रेशो क्या होगा, आर इजकल टू वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, यहाँ पर वी वन है और यहाँ पर वी टू है। अब बात करते हैं ये रॉक, इसमें क्या डीजल साइकिल में कट ऑफ रेशो भी होता है, कट ऑफ रेशो क्या होता है, वो भी वॉल्यूम का ही रेशो होता है, क्या वॉल्यूम एट कट ऑफ अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, भीतरी अपन वीटी, ये क्या होता है, देखिए कट ऑफ क्या होता है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम तो नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसलिए इसकी जो यहाँ पर वॉल्यूम होते वाला अलग होते हैं, यहाँ पर वी टू वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भीतरी होगा, लेकिन ये इधर का क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, लेकिन ये वॉल्यूम क्या है, तो इसलिए इसको कट ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं, भीतरी क्या हो जाएगा कट ऑफ वॉल्यूम और वी टू क्या हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम तो वी टू तो होता ही है, लेकिन ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जी यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए इसको कट ऑफ रेशो माना है। तो इस तरह ये रॉ कैसो करा रहा, कट ऑफ रेशो, ठीक है, ये पी नहीं है रॉ है, ठीक है, ऐसा बनता है। तो इस तरह भीतरी अपन वी टू हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम एट कट ऑफ अपन क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं इसको, अब नाउ ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस वन से टू, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस वन से टू, ये वाली वन से टू प्रोसेस है ना, वन से टू एडियाबेटिक, तो क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन टी वन, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, टी वन यहाँ पर प्रेशर था, यहाँ से टी टू, यहाँ पर क्या होगा टी टू प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा टी टू अपॉन टी वन। इस तरह यहाँ पर क्या था वी वन, यहाँ पर क्या है वी टू, तो इधर हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू। एक कैसे निकालते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये गैस रिलेशन होता है, वी वन अपॉन टी वन इजकल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ठीक है, तो उससे आप उससे निकालते हैं, तो ये आप उस हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस डली हुई है, वीडियो डला उसमें जाके देख लें, ठीक है। तो इस तरह भी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है कंप्रेशन के लिए। अब ये क्या करता है, पी किसका पालन करता है, पी वी पावर गामा इजकल टू सी, इसलिए गामा माइनस वन है, क्योंकि ये वी टू अपन वी वन होता है, ये ऊपर पहुँच गया, तो ये क्या हो जाएगा गामा माइनस वन, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, गामा माइनस वन हो गया, तो अब क्या हो गया टी टू अपन टी वन हो गया। अब वी वन अपन वी टू अपन जानते क्या होता है, वी वन अपन वी टू क्या होता है रेशो, किसका होता है कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन की बात हो तो कंप्रेशन रेशो होता है, एक्सपेंशन की होती है तो एक्सपेंशन रेशो, यहाँ पर कंप्रेशन रेशो है तो कंप्रेशन रेशो वी वन अपन वी टू के आर लिख सकते हैं, ये गामा माइनस वन अपनी जगह रहेगा। अब इसमें अपन टी टू की वैल्यू चाहिए, तो टी टू इधर पहुँच जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ टी टू इजकल टी वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, जी क्या है आर, आर की पावर गामा माइनस वन, आर क्या है कंप्रेशन रेशो, ठीक है, सिंपल सा इसको लिखा और ये अपन ने ऐसा इसको आर टी टू की वैल्यू निकाल दी। अब ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टू से थ्री, ये वाली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टू से थ्री की बात कर रहा है ना, इस प्रोसेस की बात कर रहा है, इस पर क्या हो रहा है हीट सप्लाई हो रही, ठीक है, तो क्या होता है टी थ्री अपॉन टी टू, यहाँ पर भी प्रेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ टी टू टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होगा टी थ्री, तो टी थ्री अपॉन टी टू क्योंकि इधर ज़्यादा टेम्परेचर है। इस तरह
यहाँ पर भी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है यहाँ भीतरी, यहाँ पर क्या है भी टू, तो क्या हो जाएगा भीतरी अपन भी टू, ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं ये जो होता है वो क्या होता है कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशो, इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं भीतरी अपन भी टू इजकल टू रॉ लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, रॉ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रो लिख दिया डायरेक्ट, तो टी थ्रू, अब टी थ्री की वैल्यू चाहिए तो रो की जगह इसको इधर ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, तो टी थ्री इजकल टू रो, रो इंटू ए टी टू, ठीक है। तो ए अब अपन क्या है, अब टी टू की वैल्यू ऑलरेडी अभी अपन ने निकाली थी, देख लो ए टी टू की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर टी टू ए टी टू आया तो टी टू की इस वैल्यू को यहाँ भी पुट किया जा सकता है, तो टी थ्री इजकल टू रो की जगह रो रहेगा इंटू टी टू की वैल्यू पुट कर दी कहाँ से, यहाँ से उठा के टी वन इंटू आर की पावर गामा माइनस वन, तो ये वैल्यू सेम यहाँ रख दी टी टू की जगह, तो इस तरह टी थ्री की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस थ्री से फोर क्या है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कौन सी ए वाली थ्री से फोर क्या है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। क्या प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है, तो यहाँ पर टी थ्री अपॉन टी फोर, टी थ्री अपॉन टी फोर, क्योंकि इसमें यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ अभी क्यों है देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, क्योंकि नीचे आ रहा टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है वी थ्री अपॉन वी फोर अपॉन वी थ्री, वी फोर अपॉन वी थ्री, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है, इसलिए वी फोर अपॉन वी थ्री और गामा माइनस वन, क्योंकि ये भी रूल किस किसका पालन करता है पी की पावर गामा इक्वल टू सी एडियाबेटिक इसका इसी, ठीक है, इसका पालन करता है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें अपन जानते हैं देखो यहाँ से आर बटे रो डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो वी अपन वी थ्री ये होगा इजकल टू क्या होता है वी वन अपन वी थ्री, कैसे होता है देखो वी फोर इजकल टू वी वन होता है ना, वी फोर इजकल टू वी वन होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, तो हम वी फोर की जगह इजकल टू वी वन लिख सकते हैं और वी थ्री की जगह वी थ्री लिख दिया, ठीक है। अब अगर दोनों में वी टू जैसे ये प्रोसेस है यहाँ पर जैसे वी वन है, अब वी वन में यहाँ पर अगर वी टू का अपन डिवाइड कर दें, ठीक है, इनटू ऊपर वी टू कर दें और वी थ्री की जगह वी थ्री लिख दें, यही किया बस ऊपर नीचे मैंने वी टू का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपन को ये वाला रेशो निकालना है, तो ऊपर नीचे वी टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या क्या बन गया ये, तो वी वन अपन वी टू क्या होता है आर, ठीक है, वी वन अपन वी टू आर होता है और वी थ्री अपन वी टू क्या होता है रो होता है, तो यहाँ देखिए वी वन अपन वी टू और वी टू नीचे लेगा क्योंकि ये नीचे है, देखो वी थ्री एक इसके नीचे क्या वी थ्री, वी थ्री अपन क्या हो गया वी टू, ठीक है, इसको क्या कर दिया उल्टा कर दिया वी थ्री अपॉन वी टू कर दिया, तो इसलिए आर अपॉन रॉ बन गया, ये क्या बन गया आर अपॉन रॉ बन गया, ठीक है, तो ये बन गया, तो यहाँ पर मैंने वही पुट किया इसकी जगह अपन आर अपॉन रॉ लिख सकते हैं, कैसे ये मैंने समझा दिया आपको, इससे समझ लें है ना, क्योंकि वी टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपन ने वी वन अपॉन वी टू क्या होता है आर होता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशो हो जाएगा और रॉ कट ऑफ रेशो हो जाएगा, इस तरह अपन ने इसको। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमारे पास वैल्यू है ना, अब जी यहाँ पर क्या किया हमें टी फोर की वैल्यू निकालना है, अपन को टी फोर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टी फोर की वैल्यू निकालना, टी थ्री था ऊपर पहुँच गया और देखिए ये आया हुआ है, अब टी फोर की वैल्यू निकालना, टी फोर इधर पहुँच जाएगा और ये सब टी थ्री के नीचे आ जाएगा, तो वही वाला यहाँ पर किया हुआ देख लीजिए आप, टी थ्री के नीचे पूरी वैल्यू आ गई है वाली टी फोर इजकल टू, अब क्या रो इंटू टी वन आर की पावर गामा, टी थ्री की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, क्या किया टी थ्री की वैल्यू, टी थ्री की वैल्यू कौन सी थी हमारे पास ए वाली जो वैल्यू थी, ए वाली ये टी थ्री की वैल्यू थी, इस टी थ्री की जगह कौन सी, इस टी थ्री की जगह ए पूरी वैल्यू टी थ्री को उठा के इस टी थ्री की जगह रख दिया है, तो ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, और आर की पावर गामा ये सेम का सेम है। अब आप देखिए इसको अपन ने तोड़ दिया है, ये रो है इंटू टी वन आर की पावर गामा माइनस वन, अब इसको तोड़ दिया क्या कर दिया आर की पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं और इसके बटे में भी आर की पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है मतलब दोनों के बटे यही है, तो ए और किधर गया और ए वाला और ए वाला सेम है तो एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा रॉ वन इंटू, अब ये थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हमेशा ऊपर पहुँचता है तो इंटू करके रॉ की पावर गामा माइनस वन लिख सकते हैं, ऊपर पहुँच गया इंटू ये टी वन की जगह टी वन है अपॉन, ठीक है, ए बचा हुआ, अब ए देखिए ये वन घात है ए माइनस वन है, तो ये दोनों घातें क्या होती हैं घटती हैं जुड़ती हैं, तो ये दोनों जुड़ेंगी तो ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रॉ की पावर क्या बचेगा गामा बचेगा,
इंटू ये टी वन बचेगा, है ना। ये वन से यहाँ वन कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस होंगे माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रॉ की पावर ये गामा बचा हुआ है ओनली, ए और टी वन बचा हुआ है, तो इस तरह ये वैल्यू बची। तो टी फोर इजकल टू क्या बचा, टी वन इंटू रॉ की पावर गामा। तो इस तरह ये कैलकुलेशन आके इतना बचा हुआ है। अब ये वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, टी टू, टी थ्री, टी फोर। अब इक्वेशन वन जो थी हमारे पास उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, टी वन इंटू रॉ की पावर गामा माइनस टी वन, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू पुट कर दी हमारे पास जो इक्वेशन वन थी उसमें पुट कर दी। तो इस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन टी फोर माइनस टी वन अपन गामा, टी थ्री माइनस टी टू थी, इस इक्वेशन में मैंने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दी। टी फोर की वैल्यू पुट की, टी वन की वैल्यू किया टी वन, टी थ्री की वैल्यू पुट की और टी टू की वैल्यू पुट की जो अपने अभी ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ये वैल्यू पुट की, अब इसकी कैलकुलेशन की, वन माइनस वन टी वन दोनों में, टी वन कॉमन ले लिया, रॉ की पावर गामा माइनस वन बचेगा। इधर देखिए इधर भी दोनों तरफ टी वन है, दोनों तरफ से टी वन कॉमन ले लिया, तो रॉ बचा, आर की पावर गामा माइनस वन बचा हुआ है। और अब ये क्या है, हाँ सॉरी, और ए भी गामा तो अपनी जगह बाहर ही है, टी वन कॉमन लिया और आर की पावर गामा माइनस वन इधर भी है, दोनों तरफ है, तो इसको भी कॉमन लिया जा सकता है, आर की पावर गामा ए कॉमन। तो यहाँ पर रॉ बचेगा ओनली और यहाँ पर वन बचेगा, तो रॉ माइनस वन बचा हुआ है। इस तरह टी वन से टी वन कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस रॉ की पावर गामा माइनस वन अपन क्या बचा, गामा बचा हुआ है, आर की पावर रॉ माइनस गामा माइनस वन बचा हुआ है, ठीक है, और रॉ माइनस वन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। इस तरह अपन ने अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते, वन माइनस वन अपॉन ए जो पूरी वैल्यू बाहर लिख दिया, गामा आर की पावर गामा माइनस वन, और इसको ए वाली जो वैल्यू थी इसको अलग से ब्रैकेट में लिख दिया, बटे में ए रॉ की पावर गामा माइनस वन वन रॉ की पावर रॉ माइनस वन, ठीक है। और रॉ हमेशा ग्रेटर देन होता है वन से, और रॉ रॉ क्या होता है वैल्यू याद रखें, वी टू अपॉन वी थ्री, ठीक है। आर क्या होता है, वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। तो आर की वैल्यू इसकी याद रखें तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वर्क आउटपुट अपन होता है सॉफ्ट वॉल्यूम, वर्क आउटपुट अपन सॉफ्ट वॉल्यूम। वर्क आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले वर्क आउटपुट का फॉर्मूला याद रखना, इसकी डेरिवेशन नहीं बताई मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। पी वन वी वन आर की पावर गामा माइनस वन, आर क्या होता है कंप्रेशन रेशो, इसे रॉ गामा रॉ माइनस वन, रॉ का वन बता चुका हूँ, कट ऑफ रेशो होता है जिसकी मैं वैल्यू बता रहा हूँ वी थ्री अपन वी टू बता चुका हूँ, और आर की मैं बता चुका हूँ वी वन अपन वी टू, ठीक है। तो इस तरह माइनस आर की पावर वन माइनस गामा, रॉ की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। तो ए और गामा माइनस वन, तो ये वर्कआउट का फॉर्मूला था, ये वर्कआउट डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लें। ये सब पी वन वी वन अपन जानते हैं, आर की आर भी जानते हैं, रॉ भी जानते हैं, है ना, रॉ ए रॉ भी जानते हैं अपन, कट ऑफ रेशो होता है ये सभी मैं बता चुका हूँ। सॉफ्ट वॉल्यूम ये होता है वी वन, ये भी याद रख लें, सॉफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला वी वन आर माइनस वन अपन आर आर, ठीक है, आर माइनस वन अपन आर, तो ये भी याद रख लें आप, ये फॉर्मूला भी याद रख लें, सारे फॉर्मूला में डायरेक्ट था। अब इन दोनों को जैसे अपन ने ये फॉर्मूला बताया था आपको, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरह मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा आएगा इसमें वैल्यू पुट कर दी दोनों दोनों की, सिंप्लीफाई करके अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, पी वन आर की पावर गामा गामा रॉ माइनस वन माइनस आर की पावर वन माइनस गामा रॉ की पावर रॉ क्या है यहाँ पर कट ऑफ रेशो है जो मैं बता चुका हूँ वी थ्री अपन वी टू होता। तो इस तरह ए वाला फार्मूला यूज करके मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं। ये फार्मूला मीन इफेक्टिव प्रेशर का हो गया, ए हो गया हमारी इफिशेंसी का डीजल की, और ये फार्मूला हमारा हो गया वर्क आउटपुट का। तो ये तीनों फार्मूले आप यूज करके डीजल साइकिल पर जितने भी निकल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो पहुँच डालता हूँ मैं वो आपके पास पहुँचते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।